नमस्कार दोस्तों, हीरो होंडा बजाज ये है सबसे सस्ती बाइक। एंट्री लेवल बाइक सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। कम कीमत में आने वाली ये बाइक माइलेज ज्यादा देती है और इनका मेंटेनेंस भी सस्ता होता है। यही वजह है कि 110 सीसी तक की बाइक ज्यादातर लोग खरीदते हैं। अगर आप भी सस्ती बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो इस लिस्ट पर नजर जरूर डालें। यहाँ पर हम आपको मार्केट में मौजूद हर कंपनी की सबसे सस्ती बाइक के बारे में बता रहे हैं जो 110 सीसी तक की है। ठीक है, इनमें सबसे पहला आता है आपका हीरो एचएफ डिलक्स। यह हीरो मोटर कॉर्प की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। इसकी शुरुआती कीमत 46,800 रुपए है। एचएफ डिलक्स में 97.2 सीसी का इंजन है जो 8 एचपी की पावर और 8.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 4 स्पीड गियरलेस से लैस है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 73 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। हीरो की यह सबसे सस्ती बाइक i3s टेक्नोलॉजी, लंबी सीट और एडजस्टेबल रियर सस्पेंड जैसे फीचर से लैस है। दूसरे नंबर पे आपका आता है बजाज सिटी 100। बजाज ऑटो की सबसे सस्ती बाइक सिटी 100 है। यह बाइक सबसे ज्यादा माइलेज के लिए मानी जाती है। इसकी शुरुआती कीमत 42,790 रुपए है। इसमें आपको 102 सीसी का इंजन है जो 7.9 पीएस की पावर और 8.34 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। बजाज की इस सस्ती बाइक का टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसके बाद आपका चौथे नंबर पे आता है टीवीएस स्पोर्ट। यह टीवीएस की सबसे कम कीमत वाली बाइक है। इसकी शुरुआती कीमत 52,500 रुपए है। टीवीएस स्पोर्ट में 109.7 सीसी का इंजन है जो 8 एचपी की पावर और 8.7 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 4 स्पीड गियर से लैस है। बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। टीवीएस की यह सबसे सस्ती मोटरसाइकिल सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक में से एक है। चौथे नंबर पे आता है आपका होंडा 110 ड्रीम। होंडा की सबसे सस्ती बाइक सीडी 110 ड्रीम है जिसे हाल ही में कंपनी ने अपडेट करके बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 64,505 रुपए है। इसमें आपको 109.51 सीसी का इंजन है जो 8.6 एचपी की पावर और 9.30 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। होंडा की इस सबसे सस्ती बाइक में इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, ट्यूबलेस टायर, लंबी और आरामदायक सीट, डीसी हेडलैम्प, इंटीग्रेटेड हेडलैम्प, ये सारे फीचर आपको दिए गए हैं। ये तो मैंने आपको बताया हीरो होंडा टीवीएस और बजाज की सबसे सस्ती बाइक कौन सी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली बाइक आपको कौन सी लगी? आप ये चीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए।